हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। आप देखेंगे कि वैसे इसमें कुछ नया दिख रहा नहीं है, ठीक है, बट हम यहाँ पर नया फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं और किस तरह से अप्लाई करना है वो भी डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ देखिए, हम सोचेंगे कि इसमें इतना स्पेशल है क्या, मतलब दो कॉस की टर्म्स हैं और बीच में माइनस है और फिर दो कॉस की टर्म्स हैं, तो कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें। बेसिकली जो अभी तक हमने फॉर्मूलाज स्टडी किए हैं तो वो कॉस सी प्लस कॉस डी, मतलब कि एक एंगल है और बीच में प्लस है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस सी कॉस डी है एक तरह से, ठीक है। तो जो कॉस की दो टर्म्स है वो मल्टीप्लीकेशन में है, जो कि हमारे पास कब आती है, जब हम उन्हें ऐड करते हैं, दो कॉस को ऐड करते हैं, तब जाकर दो कॉस की टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में आती है। ओके, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दो कॉस जो है वो मल्टीप्लीकेशन में ऑलरेडी हैं, तो अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो जो फॉर्मूला है, देखिए देखिए ये फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके, मतलब कि कॉस के साथ एक बार तो दो एंगल्स का एडिशन है और एक बार कॉस के साथ में दो एंगल्स का सब्ट्रैक्शन है, तो दोनों कॉस जनरेट होते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में और सिंगल सिंगल एंगल लेकर के। ओके, अब ये फॉर्मूला आता कैसे है, यहाँ पर वो भी बात कर सकते हैं। जो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, बेसिकली दैट इज कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद कैसे रख सकते हैं कि कॉस के पास दो एंगल्स का एडिशन है, तो एक बार तो दोनों टर्म्स कॉस की है, ठीक है, सिंगल सिंगल एंगल लेकर के, और एक बार दोनों टर्म्स साइन की है सिंगल सिंगल एंगल लेकर के, बट जब बीच में प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, और ऐसे ही जब कॉस ए माइनस बी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी, क्योंकि कॉस ए माइनस बी है तो कॉस के साथ वही होगा यहाँ पर, जो प्लस की सिर्फ प्लस के कारण यहाँ पर जो माइनस है उसका डिफरेंस होगा, दैट्स इट, विच मीन्स कॉस ए कॉस बी, मतलब दोनों टर्म्स कॉस की होंगी, फिर प्लस साइन आएगा और साइन ए साइन बी, सिंपल। ये तो अब इन्हें ऐड किया बीच में, तो माइनस और प्लस की साइन टर्म्स तो कैंसिल हो गई हैं और दोनों टर्म्स जो कॉस वाली है ये ऐड होकर के टू कॉस ए कॉस बी हमारे पास यहाँ पर ये बन गया है, राइट। अब हम हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉस की दोनों मल्टीप्लिकेशन टर्म्स के साथ में दो आ रहा है, तो हम दो से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, दो से डिवाइड भी कर देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, दोनों में ही हाफ बाहर कर लिया हमने और अंदर टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू कॉस टू एक्स, कॉस एक्स बाई टू माइनस इसी टू से इसको मल्टीप्लाई किया, कॉस थ्री एक्स कॉस नाइन एक्स बाई टू, राइट। यहाँ से हमारे पास में ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। ओके, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से हमारे पास ये आई है। देन हाफ से आपने बाहर मल्टीप्लाई किया था, तो दो से अपन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, इस तरह से हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो हाफ बाहर है वो अनअफेक्टेड रहेगा और ये क्या बन जाएगा, कॉस टू एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस कॉस टू एक्स माइनस एक्स बाई टू, राइट। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये बन गई और इसी हाफ को मान लीजिए इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, माइनस हाफ, और अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, हम सेकंड टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। अब ये माइनस आ गया इसका और टू के साथ में है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, कॉस थ्री एक्स प्लस नाइन एक्स बाई टू प्लस कॉस थ्री एक्स माइनस नाइन एक्स बाई टू, राइट। इस हाफ को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया और टर्म्स को अलग अलग लिखा है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म को जो पहले पूरी ब्रैकेट के अंदर थी, सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। टू एक्स प्लस एक्स बाई टू, टू टू ज़ा फोर प्लस वन फाइव, कॉस फाइव एक्स बाई टू प्लस कॉस
4 माइनस 1 दैट मीन्स 3x/2 माइनस हाफ, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, कॉस 6 प्लस 9 15x/2 प्लस कॉस 6 माइनस 9 दैट विल बी माइनस 3x/2। ओके, बट एज वी नो कि कॉस के अंदर एंगल के पास जब माइनस होता है तो ये अनअफेक्टेड रहता है, इसको कोई मीनिंग नहीं है ना, ये इसे अब्जॉर्ब कर लेगा और पॉजिटिव बना देगा। कॉस 5x/2 प्लस कॉस 3x/2, सेकेंड टर्म क्या होगी, माइनस हाफ कॉस 15x/2 प्लस कॉस 3x/2, राइट। अब हम देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। हाफ हाफ है या फिर हाफ कॉमन ले लीजिए अब सब पूरे में ही, तो क्या बन जाएगा, कॉस 5x/2 प्लस कॉस 3x/2 माइनस कॉस 15x/2, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो कॉस 3x/2, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कॉस 3x/2 कॉस 3x/2 ये कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास आए कॉस की दो टर्म्स जो कि माइनस साइन के साथ है बीच में, तो जब दो कॉस ऐड होते हैं तब तो वो दो अपनी नई कॉस की टर्म्स को जनरेट करते हैं, बट जब दो कॉस माइनस होते हैं ना तो वो अपना एग्जिस्टेंस खो देते हैं, ठीक है, खुद को पूरा ही खो देना है इन्होंने, और दो साइन बन जाएंगे, और जब साइन आएगा कॉस की जगह पे, इन दोनों कॉस की जगह पे, तो वो अपने नेगेटिव साइन को लेकर आएगा। ओके, ये हाफ बाहर रखेंगे हम फिलहाल, -2 साइन की दो टर्म्स आएंगी, एक टर्म यहाँ पर ये हो जाएगी और एक टर्म ये हो जाएगी। अब क्योंकि दोनों साइन की टर्म्स है तो क्या छोटा क्या बड़ा, एक प्लस में होगी एक माइनस में होगी, और अपॉन में 2 होगा, क्या हो जाएगा ये 5x/2 प्लस 15x/2, और एक हो जाएगी 5x/2 माइनस 15x/2। सिंपल, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हाफ और -2 इसे मल्टीप्लाई कर ले हम, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस साइन बाहर आ गया, ठीक है। अब साइन 5 प्लस 15 20/2 क्या आएगा, 10x 10x/2। ओके, और दूसरी टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास में, 5 माइनस 15 विच मीन्स -10x -10x/2 क्या आ जाएगा, -5x, और 2 नीचे की एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए साइन के पास अंदर एंगल के पास माइनस होता है तो वो इसे अब्जॉर्ब नहीं करता है, वो इसे बाहर निकाल देता है। साइन 10x/2 क्या हो गया यहाँ पर, 5x, और इस साइन का ये बाहर आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं, तो -sin 5x/2, राइट, ये एंगल के बाहर आ गया जो माइनस साइन है, जैसा कि हम पहली बात करते हैं कॉस तो डाइजेस्ट कर जाता है बट साइन से ये डाइजेस्ट नहीं होता है, ये बाहर निकाल देता है एंगल इसे। अब माइनस माइनस ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों टर्म्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, sin 5x और sin 5x/2। एंड हियर यू विल सी कि हमें यही प्रूव करना था, हमारी राइट हैंड साइड क्या है, sin 5x sin 5x/2, सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, आई होप इट हेल्प्स, हम इसी तरह की और भी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे।